नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक। बिहार आवर में आपका स्वागत है। आज 4 अगस्त और बढ़ते बिहार की 25 बड़ी खबरें की ओर। CBSE 10वीं का रिजल्ट लगातार 4वें साल लड़की अव्वल। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 10वीं क्लास का रिजल्ट जारी हो गया। इस बार परीक्षा में 7.98% की बढ़ोतरी के साथ ही 99.4% बच्चे पास हुए। वहीं इस बार भी लगातार 4वें साल लड़कियां ने बाजी मारते हुए लड़कों को पीछे छोड़ दिया। इस साल 99.24% लड़कियां पास हुई, जबकि लड़कों का रिजल्ट 98.79% रहा है। CBSE 10वीं पास के रिजल्ट में लड़कियां लगातार 4 साल से बाजी मारती आ रही। इससे पहले साल 2020 में भी जहां लड़कियों का पास परसेंटेज 93.31% था, वहीं तो लड़कों के रिजल्ट 90.14% रहा था। साल 2019 में लड़कों को पीछे छोड़ते हुए 99.45% लड़कियां पास हुई थी, जबकि 90.14% लड़कों ने सफलता हासिल की। SSC CHSL की शेष परीक्षा 4 अगस्त से। कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड ईयर सेकेंडरी लेवल परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी। इससे पहले परीक्षा अप्रैल में होनी थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के कारण 9 दिनों के बाद ही परीक्षा भी स्थगित कर दी गई थी। SSC अब शेष परीक्षा का आयोजन 4 से 12 अगस्त तक किया जाएगा। प्रदेश और बिहार के 18 जिलों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। इससे पहले परीक्षा 12 से 26 अप्रैल के बीच प्रस्तावित थी, जिसमें मध्य क्षेत्र के 9,11,255 विद्यार्थियों को शामिल होना था, लेकिन 19 अप्रैल तक परीक्षा का आयोजन हो गया था। इस दौरान परीक्षा के लिए 3,79,683 विद्यार्थी पंजीकृत थे। वहीं 4 से 12 अगस्त तक प्रस्तावित शेष परीक्षा के लिए 5,31,592 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। आज 4 अगस्त को होने वाली परीक्षा में सभी अभ्यर्थी शामिल हो सके। इसकी परीक्षा पूर्व में स्थगित हो गई थी। जो अभ्यर्थी अप्रैल में आयोजित हो परीक्षा में शामिल हो चुके या उन्होंने परीक्षा छोड़ दी थी, अब सब इन परीक्षाओं में बैठने के लिए योग्य नहीं है। परीक्षा 1-1 घंटे की 3 पालियों में होगी, जबकि 9:00 बजे, 10 बजे, 12 बजे से 1 बजे, 3 बजे से 4 बजे तक आयोजित की जाएगी। CTET परीक्षा CBSE जारी, जल्द होगी नोटिफिकेशन। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के साथ ही इस महीने नोटिस जारी कर सकता है। रिपोर्ट के अनुसार बोर्ड CTET के द्वारा 2021 का आयोजन अक्टूबर में हो सकता है, जबकि एडमिट कार्ड सितंबर में जारी होने की संभावना जताई जा रही। हालांकि CTET 2021 को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया था, इसमें कहा गया था कि नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होगा। इस परीक्षा के पैटर्न के लिए कुछ बदलाव किए जाएंगे। बदलाव से कई शिक्षा नीति के तहत किए जाएंगे। पार्टनर्स में भी पैटर्न्स के बदलाव के बारे में बोर्ड जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करेगा। रिपोर्ट के अनुसार CBSE ने 7 दिसंबर सेशन की CTET परीक्षा ऑनलाइन कराने का फैसला लिया। इस समय अब पेपर की बचत होगी, साथ ही रिजल्ट भी जल्द जारी किया जा सकेगा। ऑनलाइन परीक्षा कोविड प्रोटोकॉल के साथ होगी। मैन्युफैक्चरिंग PMI 3 महीने के शेष पर। भारतीय इकोनॉमिक कोरोना की दूसरी लहर के साथ ही प्रभाव से बाहर निकलते ही नजर आ रही। सोमवार को जारी मैन्युफैक्चरिंग PMI के आंकड़े इस बात की इशारा करेगी। IHS मार्केट के मार्चिस सर्वे के मुताबिक जुलाई महीने में देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर गतिविधियों में पिछले 3 साल से पहले मजबूती वृद्धि देखने को लेकर मिली थी। COVID-19 की वजह से विभिन्न जगहों पर लागू लॉकडाउन में छूट और मांग की स्थिति में सुधार, निर्माण क्षेत्र की गतिविधियों से उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। IHS मार्केट के इंदिरा मैन्युफैक्चरिंग परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स जुलाई में 55.3 पर पहुंच गया था। आज जून महीने में 48.1 पर आ गया। रोजगार के मोर्चे की बात जाए तो जुलाई में नौकरियों के मामले वृद्धि देखने को मिली थी। पिछले 15 माह से चली आ रही छटनी का सिलसिला थम गया है। देश में 6 दिन बाद कम हुए मामले। 24 घंटे में 30,549 नए केस। देश के बीते 6 दिनों से लगातार बढ़े कोरोना के सक्रिय मामलों में फिर से कमी की गई है। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में पूरे देश में 30,000 नए मामले पाए गए थे। इस दौरान 36,888 मरीज ठीक हुए हैं। अब 442 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 71 लाख मरीजों को वैक्सीन लगाई गई, जिसके साथ ही वैक्सीनेशन का आंकड़ा 87.85 करोड़ हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे में कोरोना वायरस 30,549 नए मामले मिले। इसके साथ ही देश में महामारी के मामलों की संख्या बढ़कर 3,17,26,507 हो गई है। बिहार में 1.11 लाख जांच में 37 संक्रमित। बिहार में कोरोना के मामले ऐसे ही नहीं कम रहे हैं, जैसे कि जांच घटाई 24 घंटे में 34,982, 48 घंटे में 49,476 जांच घटाई गई। 31 जुलाई को 1,61,662 के साथ ही लोगों की जांच केस में 44 नए संक्रमित पाए गए, अब घटकर 1,11,549 की ठीक हुई। इसमें संक्रमितों की संख्या 37 हो गई है। जांच से घटकर मामले को लेकर कोरोना का खतरा बढ़ गया। अब तक समान जांच पर आंकड़े घटते कम नहीं होते जा रहे, साथ ही कोरोना का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को औचक निरीक्षण के लिए निकले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला समस्तीपुर परिसर पहुंचा। महज 5 मिनट विश्राम करने के बाद यहां से वे बुरौली पुजा से रास्ते मुजफ्फरपुर के रवाना हुए। उनके साथ शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, परिवहन विभाग के सचिव भी शामिल थे। पहले CM का बेगूसराय जाने का कार्यक्रम तरीके अचानक कार्यक्रम बदलाव करते हुए कोठिया ताजपुर के रास्ते समस्तीपुर परिषद पहुंचे। समस्तीपुर परिषद में CM ने हालांकि मीडिया से बातचीत की। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि जिले का हाल जानने के लिए निकले। इधर CM के सुख मार्ग से लेकर सड़क मार्ग से गुजरने को लेकर प्रशासन CO से जगह जगह दंडाधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारियों तथा जवानों को तैनात किया गया था। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार औचक निरीक्षण के लिए निकले थे। वे पहले वैशाली जिला के हाजीपुर निरीक्षण किया, इसके बाद वहां से उन्हें बेगूसराय जाना था।
जिलाधिकारी शशांक शुभंकर और पुलिस अधिकारी नवजीत सिंह के साथ ही गुलदस्ता भेंट सीएम का स्वागत किया गया। दिघवारा में बढ़ने लगा गंगा का जलस्तर, प्रशासन अलर्ट, गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा। जलस्तर को देखने के साथ ही प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत गंगा के तटवर्ती दर्जनों गांव में लोगों की धड़कड़ तेज हो गई है। इधर जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए प्रशासन के अलर्ट मोड पर मंगलवार को प्रखंड के बुरा पंचायत के रामदास और मालराचक गंगा घाट पर तटबंध पर कटाव रोधी जल रहे कार्य पर सीओ प्रवीण कुमार सिन्हा ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीओ ने बाढ़ नियंत्रण विभाग के चल रहे जेई को तटबंध और मजबूत करने का निर्देश जारी किया। निगरानी रखने की बात के सीओ ने बताया कि अभी गंगा का जलस्तर तटबंध के निचले स्तर के नजदीक नहीं पहुंचा है, फिर भी प्रशासन बाढ़ पूर्व चौकना बरत रही है। एसडीपीओ ने अपने पति को रातों रात बना दिया आईपीएस, पीएमओ ने बैठाई जांच। भागलपुर जिले के एसडीपीओ ने अपने पति को आईपीएस बना दिया है। मामला जब तुल पकड़ा तो पीएमओ ने खुद ही जांच के आदेश दिए। पति को झांकी खाकी वर्दी में फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया में पोस्ट कर एसडीपीओ कलवार से शेडू कृष्णा को भारी पड़ गया है। मामला तुल पकड़ने लगा है। किसी ने शिकायत कर दी कि एसडीपीओ के पति पुलिस को नहीं है, बावजूद वर्दी में उनकी तस्वीर लगाकर एसडीपीओ पोस्ट कर दी के साथ ही खुद भी है। मामला इतना हाई प्रोफाइल हो गया कि इसकी जांच पुलिस मुख्यालय ने की। दरअसल पुलिस मुख्यालय ने इस मामले में कुछ बोलने से परहेज कर रहा है, उसे ना कुछ लिखते बन रहा है ना ही कुछ कहते। पुलिस प्रशासन ने इस मामले भागलपुर एसएसपी को पत्र भेजा। हालांकि सूत्रों का कहना है कि इस मामले की रिपोर्ट सौंप दी गई है। रजौली चेक पोस्ट का एसडीओ ने किया निरीक्षण। साथ ही एसडीओ चंद्रशेखर आजाद ने मंगलवार को चित्र कॉलेज स्थित रामसेखित जांच चौकी पर पहुंचे, जहां वहां पर तैनात अधिकारी जवानों से चेक पोस्ट पर प्रतिदिन हो रहे जांच के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी ली। एसडीओ ने बताया कि विशेष अभियान के तहत रजौली चेक पोस्ट पर आज निरीक्षण किया गया। इस दौरान झारखंड की ओर से आने वाली छोटे बड़े वाहनों की सघन तलाशी लेकर ड्यूटी में तैनात अधिकारी और प्रशासनों को निर्देश दिया गया है। चेक पोस्ट पर नजर बनाई रखी, इसको लेकर 10 नए सीसीटीवी कैमरे दोनों वाइट पर लगाया गया है, ताकि ड्यूटी में तैनात कार्य जवानों पर हर तरह के मूवमेंट देखा जा सके। झारखंड अरे राज्यों से बिहार के प्रवेश करने वाली गाड़ियों की किस तरह से जांच की जा रही है। लालू की सक्रियता से सियासी हलचल, मुलायम के बाद कल शरद यादव से मिलने पहुंचे। लंबे अरसे तक जेल और खराब स्वास्थ्य का सामना करते हुए राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पिछले 2 दिन से अचानक सक्रिय नजर आ रहे थे। इनकी इन सक्रियता ने नई दिल्ली में बिहार पर सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। लालू मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव से मिलने पहुंचे। इससे पहले सोमवार को उन्होंने दिल्ली में ही अपने रिश्तेदार और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव से मुलाकात की। मंगलवार को उन्होंने 7 तिलक रोड स्थित शरद यादव के आवास पहुंचकर उनसे मुलाकात की। लालू के साथ उनकी बेटी मिसा भारती और प्रेमचंद गुप्ता भी रहे। शायद शरद यादव की आवाज पर नेताओं के बीच काफी देर तक बातचीत होती रही। राजधानी पर बाढ़ का खतरा बढ़ा, 5 नदियों से घिरा पटना। राजधानी पटना पर बाढ़ का खतरा बढ़ जा रहा है। इससे चारों ओर नदियों की 5 बहती जहां से 4 खतरे के निशान पर पार चली गई। गंगा, पुनपुन, धारा और करुआ नदी का जलस्तर सोमवार देर रात लाल निशान पर पार हो गया है। सोन नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ा, हालांकि अभी इसका जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है। इन दिनों नदियों में पानी की प्रत्याशित बढ़ोतरी के कारण पटना के निचले इलाके में तेजी से पानी फैलने लगा है। प्रशासन बांधों के ऊपर बह जाने से पानी का कंट्रोल करने के लिए तेज देर रात से भारी बारिश लगातार। नदी का जलस्तर ऐसे ही बढ़ता रहा तो पटना में भी बाढ़ का खतरा मंचन देखने को मिल सकता है। पंचायत चुनाव प्रत्येक बूथ 4-4 BOCU। बिहार में स्थित राष्ट्रीय पंचायत ग्राम कचहरी के आम चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी है। आयोग ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। आयोग ने कहा कि M2 मॉडल EVM से चुनाव संपन्न कराया जाना है। ऐसे प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए 4-4 BOCU के इंतजाम सुनिश्चित करने निर्देश जारी कर दिया गया। साथ ही इसे प्रत्येक मतदान केंद्र पर 2 मतपेटी की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। चुनाव के साथ ही 3 अधिकारियों की EVM और मतपेटी स्ट्रांग रूप से जमा करने की जिम्मेदारी भी आयोग ने तय कर दी है। पहले सिर्फ पीठासीन पदाधिकारी मजिस्ट्रेट के साथ बैलेट बॉक्स जमा करते थे। पहली बार 4 पदों के मतदान के लिए EVM के प्रयोग होने के साथ ही अब इसे जमा करने की जिम्मेदारी 3 अधिकारियों की होगी। मतदान खत्म होने पर पीठासीन अधिकारी के अलावा मतदान अधिकारी 1 और मतदान पदाधिकारी 2 के जिम्मे भी यह दायित्व होगी। स्टेशन के अलावा ग्रामीण सड़कों पर भी मिलेंगे कुली। बिहार सरकार का ग्रामीण कार्य विभाग अपने नदी पर 1 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कों मरम्मत कराने जा रही है। जी हाँ, विभागीय स्तर पर होने वाले मरम्मत कार्य के लिए कई कर्मियों की जरूरत विभाग को पड़ेगी। छोटे बड़े सभी पर्दों पर कर्मचारी की बहाली करने की प्लानिंग भी चल रही है। वहीं इस क्रम में अब कुली की बहाली भी की जाएगी। असन हर 2 पंचायत में 1 पद कुली की भी बहाली होगी। कई जगहों पर 1 पंचायत में 1 कुली की तैनात होंगे। पद कुलियों की नियुक्ति सीधे तौर पर नहीं होगी, इसके लिए आउटसोर्सिंग का सहारा लिया जाएगा। इसे मानदेय की एजेंसी के जरिए भी दिया जाएगा। पद कुली का काम सड़कों की देखभाल करना होगा, जिस क्रम पर सड़कों पर कुली को तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही सड़क देखभाल की पूरी जिम्मेदारी होगी। अगर सड़क
पर बरसात का पानी जमा होता है तो पानी निकासी की जिम्मेदारी पथ कुली की होगी। अगर कोई अतिक्रमण उस सड़क पर किया जाता है तो पथ कुली इसकी जिम्मेदारी विभागीय अधिकारी को देंगे। वहीं अगर असामाजिक तत्वों के द्वारा सड़क को क्षतिग्रस्त किया जाता है तो इसकी जानकारी पथ कुली अधिकारी को देंगे। दरभंगा की बेटी नीना सिंह राजस्थान पुलिस में पहली महिला महानिदेशक। बिहार के दरभंगा जिले में घनश्यामपुर प्रखंड के गनौन पंचायत की बेटी नीना सिंह राजस्थान पुलिस में पहली डीजी बनी है। जी हां, एडीजी पद पर कार्यरत आईपीएस अधिकारी नीना सिंह के पिछले ही दिनों राजस्थान सरकार ने डीजी बनाया था। नीना सिंह के डीजी बनने की खबर सुनते ही गाँव के लोगों में खुशी का माहौल है। राजस्थान सरकार ने डीजी पद पर कार्यरत आईपीएस अधिकारी उमेश मिश्र आईपीएस नीना सिंह को प्रमोट करते हुए डीजी बनाया। आपको बता दें कि नीना सिंह राजस्थान में पहली महिला डीजी बनी थी। नीना सिंह 1979 बैच के आईपीएस अधिकारी है। मैट्रिक इंटर पास पश्चाती मार्क्सिट सर्टिफिकेट में गलती सुधारने का मौका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पटना ने एक आदेश जारी किया है कि साथ ही बोर्ड के मैट्रिक का इंटर पास स्टूडेंट अपने मार्क्सिट में सुधार करवा सकते हैं। बोर्ड ने कहा कि छात्र 4 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक इसके लिए बीएसईबी के प्रमंडलीय कार्यालय में अप्लाई कर सकते हैं। बोर्ड ने आगे कहा कि सुधार के लिए स्कूल प्रधान की स्तुति अनिवार्य होगी। बिहार बोर्ड की ओर से जारी आदेश में कहा कि 2020 के क्षेत्र में प्लस पास मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्रों के मार्क्सिट में अलग कोई गलती हो तो उसमें सुधार करवा सकते हैं। बोर्ड ने कहा कि छात्र इसके लिए अपने मार्क्सिट रजिस्ट्रेशन कार्ड और एडमिट कार्ड के साथ एक शपथ बनाकर स्कूल में आवेदन करेंगे। इसके साथ स्कूल के प्रधान के द्वारा रिकॉर्ड निकाल कर इसकी जाँच की जाएगी। जाँच के आरोप स्कूल की ओर से छात्र को सस्ती मिलेगी, साथ ही आधार पर सुधार की जाएगी। अब जमुई में होगा आरटीपीसीआर टेस्ट माइक्रोबायलिस्ट नियोजन शुरू। कोरोना संक्रमण की प्रभावित तीसरी लहर से मुकाबला को लेकर तैयारी तेज कर दी। खास ट्रिपल पी के तहत टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी वजह से जमुई सदर अस्पताल में भी आरटीपीसीआर टेस्ट की व्यवस्था की जा रही है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 10 अगस्त संविदा शुभारंभ की जाएगी। इसके लिए माइक्रोबायोलॉजिस्ट के साथ ही पद नियोजन की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। संविदा का 9 महीने के लिए नियोजन प्रक्रिया के तहत 5 अगस्त को अभ्यर्थी का इंटरव्यू लिया जाएगा। आरटीपीसीआर संविदा पर जांच की व्यवस्था जमुई में ही होने की जाने से संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में धार मिलेगा। 24 घंटे के भीतर जांच कराने वाले लोगों को उसकी जांच रिपोर्ट मिल जाएगी। अब तक व्यवस्था जमुई के लिए पटना से टैग था जिसके चलते जांच रिपोर्ट आने के 5 से 7 दिनों तक वक्त लग जाया करता था। प्रवासी कामगारों के लिए बनाए गए क्वारंटाइन केंद्र पर लाखों की गड़बड़ी। जी हां, कोरोना काल में पिछले वर्ष नवासी प्रवासी कामगारों के लिए बनाए गए क्वारंटाइन केंद्र में लाखों रुपए राशि का गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जांच के क्रम में वरीय उपसमर हरदा सह अपदा प्रभारी सालिग्राम साह ने नवल किराना स्टोर के संचालक के साथ नवल किशोर के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश अंचलाधिकारी को दिया, जिसके उक्त किराना स्टोर के दौर 12 लाख से अधिक राशि की हेराफेरी होने की बात कही गई। पिछले वर्ष क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों सहित अन्य जगहों पर क्वारंटाइन केंद्र बनाए गए थे। प्रवासी कामगारों के 14 दिनों तक सरकारी स्तर से निःशुल्क बिजली पानी नाश्ता भोजन व्यवस्था सहित अन्य तरह की सुविधाएं दी जाती थी। इन सुविधाओं के आड़ में अनाप शनाप बिल तैयार कर राशि निकासी की गई। इस किराना स्टोर के नाम पर फर्जी बिल लगाया गया था। इस संबंध में सीओ अशोक कुमार सिंह ने बताया कि वरीय उपसमाहर्ता के द्वारा नवल किराना स्टोर पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। देखा जा रहा है कि सिर्फ बांका का मामला है जहां से बिहार भर में ऐसे क्वारंटाइन सेंटर के नाम पर धांधली हुई है। टोक्यो ओलंपिक में बिहार के विवेक भी दिखा रहे हॉकी में अपना जोहर। भारतीय पुरुष हॉकी टीम में 39 साल बाद टोक्यो ओलंपिक में सेमीफाइनल मैच खेलने को लेकर सभी उत्साहित नजर आ रहे हैं। लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि इस टीम में सिवान जिले का ही एक खिलाड़ी शामिल है। जी हाँ, मिडफील्डर विवेक सागर के जिले के रघुनाथपुर प्रखंड के कलोनी निवासी रोहित प्रसाद के पुत्र। हालांकि विवेक सागर का परिवार मध्य प्रदेश की इटरासी के हुसराबाद में रहते हैं। वह उसी राज्य की ओर से खेलते हैं। भले ही विवेक दूसरे राज्य से खेलते हैं लेकिन उनका पैतृक गांव में उनका गहरा नाता रहा है। नॉर्थ ईस्ट साउथ इंडिया में बढ़ी चाही और चाइना लीची की मांग। वैसे तो मुजफ्फरपुर की शाही लीची की पहचान देश और विदेशों में होती, अब नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया के साथ इंडिया के लोगों को भी अब संवाद पसंद आने लगा है। इस बार भी लीची के बड़े लगाने के साथ ही पेड़ की कवायद शुरू कर दी। लीची के पौधे के लिए मांग अचानक से बढ़ गई। इन शहरों में भी शाही लीची की बागवानी शुरू कर दी गई है। मुसहरी स्थित राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र में इस साल दोनों जगहों से करीब 20,000 पौधे का ऑर्डर मिला है। लीची अनुसंधान केंद्र की इस साल केंद्र के निदेशक डॉक्टर श्रीधर पांडे ने बताया कि लीची के पेड़ में कलम और बांधी जाती है जिसमें 40 दिन में इसमें जड़ा जाती है, फिर इसे काट कर पौधा का आकार दिया जाता है। इसे सप्लाई की जाती है। इस साल करीब 60,000 पौधे तैयार किए गए जिसमें 40,000 पौधे काम करते हैं। अन्य पौधे के कुछ कारणों से खराब हो जाते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रोफेसर पद से सेवानिवृत्ति दी गई विदाई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधान पार्षद डॉक्टर मदन मोहन इस प्रोफेसर के पद सेवानिवृत्त हो चुके हैं। डॉक्टर झा बीडी कॉलेज के रसायन शास्त्र के शिक्षक थे। उनके साथ ही गणित विभाग के खिलाफ शिक्षक और कॉलेज शिक्षक संघ के पूर्व सचिव डॉक्टर जनार्दन प्रसाद सिन्हा भी सेवानिवृत्त थे। दोनों के सम्मान में कॉलेज प्रशासन शिक्षक संघ की ओर से मंगलवार को बीजी कॉलेज में विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। इसमें 31 जुलाई को रिटायर हुए थे। इस अवसर पर डॉक्टर मदन मोहन झा ने भी कॉलेज से लेकर मेरा अस्तित्व बताया। आज से जो कुछ भी हो बीजी कॉलेज की ही देन है। मंत्री और विपक्ष नेता रूप से मैंने बीजी कॉलेज शिक्षकों की समस्याएं हमेशा उठाई और झा ने सभी शिक्षकों को अपने आवास पर भी आमंत्रित किया है।
भारी बारिश के आसार। गया से गुजर रही मानसून ट्रफ लाइन बिहार में मानसून की मेहरबानी लगातार बनी हुई है। जून से अब तक मानसून ने राज्य के प्राय सभी हिस्सों में औसत से अधिक बारिश कराई। इस प्रभाव से अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व जिलों के किशनगंज, अररिया, मधुबनी, कटहरिया, पुलिया, कटिहार और सुपौल आदि जिलों में कल शून्य भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया। मौसम विभाग की ओर से इन जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार 3 से 5 अगस्त तक पटना के और इसके आसपास शहरों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना व 1 से 2 स्थानों पर बारिश व गरज के साथ ही छींटे पड़ने की संभावना है। इस कारण से अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री कमी की संभावना है। डायबिटीज में फायदेमंद साबित होती है भिंडी। आज हम बात करें कैसे भिंडी डायबिटीज और कैंसर के मरीजों के लिए किसी रामबाण से कम नहीं होती। इसे सुपर फूड कहा जाता है क्योंकि पोटेशियम, विटामिन बी, विटामिन सी, फॉलिक एसिड और कैल्शियम से भरपूर होती है। कैलोरी में भी कम और फाइबर में उच्च होती है। ऐसा देखा जाता है कि भिंडी डायबिटीज के शुरुआती स्तर में काफी फायदेमंद साबित होती है। रिसर्च में पाया गया कि जिन लोगों ने भिंडी का पानी पिया है उनके ब्लड शुगर स्तर नीचे जा दिखा है। यहाँ तक कि तुर्की में डायबिटीज के इलाज के लिए सदियों से भुनी हुई भिंडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। भिंडी एक ऐसी सब्जी जिसे फाइबर की मात्रा कम होती है वो अधिक करती है, जो मधुमेह के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उच्च फाइबर की उपस्थिति के कारण इसे एंटी डायबिटीज खाद्य पदार्थ के नाम से जाना जाता है। यह रक्त संग्रह के स्तर को स्थिर करता है या बेहतर ग्लाइसेमिक नियंत्रण को बढ़ावा देता है। इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करता है। यह आहार सामग्री न सिर्फ मधुमेह मदद करती बल्कि अन्य स्वास्थ्य लाभ को प्रदान करती, जैसे अपच, भूख कम करना और लोगों को लंबे समय तक भरा हुआ रखना। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आप में से बहुत से यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स के जवाब अच्छे लगे उनके नाम है नीरा सिंह, रेनू और चंचन ओझा। आप हमारे सवाल का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, क्या बिहार भर में प्रवासी कामगारों के लिए बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर के नाम पर धांधली हुई है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ जरूर रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।